क्या पाया था देखो रात को क्या कर रहा है वो चुप गया चुप गया ड्राई फ्रूट के डब्बे के ऊपर बैठ गया जाके इसमें से कोई और नहीं खा रहा, सिर्फ यही खा रहा है ड्राई फ्रूट और कोई नहीं खा रहा इसमें से जब साए अकेला लगा पड़ा है मेरा बब्बा दे दो बब्बा आ जाओ बाहर आ जाओ जल्दी आओ अथर्व इसमें गुड़ है गुड़ सारी चीट कर देगा आज नीचे से अथर्व नीचे बाहर आओ बेटी बेटा ओए बेटा अथर्व बाहर आओ लोचित जी मम्मी जाली बाहर घूमने बढ़िया मम्मी गई घूमने जाओ पापा के पास जाओ चलो 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 अच्छा चलो बाहर चल ले घूमी घूमी करने वाले निकल गए अच्छा आ जाओ मम्मा के पास बाहर निकल गए बाहर ही बेटा सच नहीं कैसा बात करते हुए आप थकते नहीं सर राम जी कैसे हो आशा करती हूँ कि सब सही होंगे तो गाइस सुबह के बजे 10 और सुबह का सभी काम फिनिश हो गया है और गाइस अब तो 4-5 दिन तक बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही कोहरा दिन निकलते के साथ कोहरा पड़ना शुरू हो रहा कुछ भी दिखाई नहीं देता और अर्णव का तो वही रूटीन है रोज उसी टाइम पर जाना सुबह में तो जल्दी जाए और रात में लेट आवे और कई दिन पहले तो ही बता देते कि बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट भी हो रहा 7-8 गाड़ी एक साथ ठुकरी थी मतलब वो उसके पीछे क्योंकि दिन में दिखाई नहीं देता तो फिर डर तो लगा ही है ट्रैवल करते टाइम तो गाइस काम तो ख़त्म हो गया और मैं नहा के भी आ गई और अब मैं नाश्ते में चाय बनाऊंगी और जो भाई दोज की खीर रखी ना वो फ्राई करूंगी आज क्योंकि बहुत सारी खीर रखी कुछ तो बांट दी थी गली में जो बची थी वो ऐसे ही रखी वो किसी ने खाई नहीं अभी ऐसे ही रखी तो मैं सोची आज वही फ्राई कर लेती हूँ नाश्ते में रात तो खाने में कड़ी बनाई थी अर्णव तो आज टिफिन भी लेकर गए क्योंकि उनकी कंपनी में ना आज मैडम का बर्थडे है तो दावत देवेगी मैडम तो मैडम ने मना करी थी कि आज टिफिन नहीं लेकर आना तो इसीलिए अर्णव तो टिफिन नहीं लेकर गए आज तो ठीक है गाइस चलती हूँ रसोई में मिलती हूँ रसोई में जाने के बाद तब तक के लिए बाय बाय तो गाइस खील मैंने ले लिया अब खील को साफ करूंगी जो उसमें गोने हुए हैं ना छिलक हुआ है जो खील के वो निकल लूंगी और बाबू तो अभी बैठक में खेलने के लिए जा रहा हूँ मैं आ गई हूँ और अब सबसे पहले मैं चाय बनने के लिए रख देती हूँ उसके बाद खीर फ्राई करूँगी दूध होने लग रहा मैंने दूध रख दिया था कि जब तक ना कहूँगी दूध हो जाएगा कम करके चली जाएगी और इधर मम्मी ने ग्लो की बेल पकाई है अब इसमें चाय रख देती हूँ और ये खीर फ्राई कर देती हूँ थोड़ा सही मौसम हुआ और मैंने अथर्व को नहला दिया क्योंकि धूप निकल गई ना तो इसीलिए और अथर्व रेडी भी होगा ना क्या अब अथर्व को धूप में लेकर जाऊँगी और पूरे बेड पर अथर्व का ही सामान फैले हुए हैं देखो चारों तरफ को आपको अथर्व के सामान मिलेंगे अब अथर्व को थोड़ी देर रूम में छोड़ दूंगी मम्मी पापा के पास और मैं यहाँ पे साफ करूंगी देखो इसके कपड़े तौलिया स्टोल ये सब खिलौने बेटा नो विक्स लगाई अभी बाबू का नहीं लाया ना विक्स भी लगा दी बादाम भी खिला दिया बाबू को बस अब तो धूम में छोड़ दूंगी लाओ बेटा रख दूँ लाओ मम्मा को दे दो मम्मा को मैं इसके ना हेयर सेट कर रही थी तो इस वाले कोम से खुद कर रहा कह रहा मम्मा 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 देखो अथर्व चलो बेटा आप रेडी हो गए ना लिए ना चलो धूम में छोड़िए हम आपको थोड़ी देर धूम में बैठ जाओ बब्बा जी के पास ये दे दूँ नो बेटा आप मुँह में घुसा हो इसे नहीं देते फिर मैं बेड पर साफ कर दूंगी ठीक है आ जाओ चलो चलेंगे तेल भी लगा दिया पाउडर भी लगा दिया बाबू का सारा काम खत्म कर दिया बाबू का बेटा से मुँह में नहीं घुसते आओ अथर्व आ जाओ लाओ मम्मा को दे दो कोम दे दो मम्मा को हाँ आ जाओ
अभी सॉक्स वगैरह तो पहनती नहीं क्योंकि अच्छी धूप ने कर ली, थोड़ी देर धूप में बैठ जाएगा, फिर शाम के टाइम सॉक्स कैप वगैरह लगा दूंगी। ग्लव्स मुंह में नहीं घुसते अथर बेटे, मना करने के बावजूद भी। अथर और मैं धूप में चल दिए थोड़ी देर धूप से कहीं, क्योंकि अथर को भी सर्दी लग रही नहाया और मुझे भी लग रही, और बढ़िया धूप निकल ली थोड़ी देर धूप से क्या। जब जाऊंगे नीचे पापा ये तो ड्यूटी चले गए तो इसलिए मुझे बैठना पड़ेगा इसके पास। तो सो गया था बाबू को सुला के, अब मैंने बेड पे भी क्लीन कर दिया, देखो पूरे में फैला था ना, तो बाबू को सुला के ऊपर लिटाया ही धूप में मम्मी के पास, और यहाँ को साफ कर दिया मैंने। अब पता मैं क्या करूँगी, अब मैं मूली काट के सिरके में डाल लूँगी, पहले मूली कटूँगी धुल के धूप लगा के थोड़ी, और फिर सिरके में डाल दूँगी। तो ठीक है गाइस काट लेती हूँ मूली। कंबल है ना, इस कंबल में बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगती क्योंकि नया है ना, इसीलिए नए कंबल में पुराने कंबल की अपेक्षा ज़्यादा गर्माई हो गया ना, तो इसीलिए 3 दिन से ये वाला कंबल ओढ़ना पड़ रहा, वरना दूसरे वाले कंबल में तो ठंड लगा है बहुत, अब सर्दी होने लगी। और बाबू के सब चीज़ें इधर लगा दी मैंने, शॉक्स यहाँ पर सुखा दी। तो गाइस सिरके में डालने के लिए मैंने मूली और मिर्च दोनों ले लिया है धुल के, और धूप में रख के डाल दूंगी सिरके में। के 4 बज गए हैं और अथर को बाहर जाने की लग रही है, अब अथर बाहर घूम का आ गए, तो मैंने अथर को सूज भी पहना दी है, सॉक्स भी पहना दी और सूज भी और कैप भी लगा दी। और पहले तो मैं अथर को ऊपर लेके जाऊंगी, जो मैंने मूली और मिर्च रख रखी ना वो लेके आऊंगी, और फिर अथर को कहीं घुमाने के लिए भेजूंगी। किसके साथ जाओगे, पापा जी के साथ क्या? नहीं वो नहीं पहनते बट चश्मा नहीं पहनते, आपको लग जाएगा चश्मा। छुप कर जा रहे हैं, बाय कर दो, बाय माम माम जी, मामा जी राधे राधे, वहाँ जाना है। चलो गाइस शाम के 5 बज गए हैं और खाने का टाइम हो गया, और गाइस आज ना खाने में मिक्स वेज बनाऊंगी, तो मैं मिक्स वेज की कटिंग कर रही, मैं सभी सब्जी लेकर आ गई हूँ, गाजर गोभी शिमला मिर्च आलू मटर टमाटर सभी लेकर आ गई हूँ। तो गाइस मैं कर लेती हूँ कटिंग मिक्स वेज बनाने के लिए, क्योंकि भाई कटिंग करने में भी टाइम लगेगा और फिर बनाने में भी टाइम लगेगा। तो ठीक है गाइस कर लेती हूँ सब्जी की कटिंग, ये रखी सारी सब्जी, कटिंग करने के बाद दिखा देती हूँ मैं आपको। हम तो 6:30 बजे है और मैं रसोई में आ गई हूँ, और मैं खाना बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। गाइस शाम के 6:30 बजे और खाने का टाइम हो गया है, और आज ना गाइस खाने में मिक्स वेज बनेगी, और मैंने सभी सब्जी की कटिंग कर ली है, और अब मैं रसोई में आ गई हूँ छोंकने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो आलू ले लिए, ये गोभी शिमला मिर्च हरा धनिया टमाटर प्याज मटर और गाजर, और इधर कढ़ाई रखी, और इसमें रिफाइंड ये सभी मसाले। तो मैं छोंक लेती हूँ सब्जी, पहले फ्राई करूँगी, फ्राई करने के बाद छोंकूंगी। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड डालकर रख दिया है, और एक आलू भी डाल कर देखा कि रिफाइंड हुआ है नहीं हुआ, बैक कैमरे से दिखा दी हूँ, फ्रंट से अच्छे से नहीं दिख रहा। रिफाइंड डाल दिया और एक आलू देखा डाल दिया फ्राई करने के लिए। सबसे पहले मैं आलू बॉईल कर लूँगी, आलू के बाद फिर गोभी, गोभी के बाद गाजर, फिर शिमला मिर्च। गाइस आज ना लड्डू गोपाल जी ने ये वाली ड्रेस पहन रखी, देखो सभी लड्डू गोपाल जी ने अलग अलग पहन रखी, खट्टू श्याम जी ने ये वाली, माता रानी ने चुनरी, और जो तीसरे नंबर के लड्डू गोपाल जी है ये वाली ड्रेस, दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी ने, और सबसे बड़े वालों ने ये, और जो हमारे नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल जी है सबसे छोटे ये वाली पहन रखी। सभी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस अच्छी लग रही। मिक्स वेज की ग्रेवी मेरी बनकर रेडी हो गई है, और इधर ये बनने लग रहा, ये बनने के लिए रख रखा, और ये सभी मैंने सब्जी फ्राई कर ली थी। तो गाय सब्जी बनकर रेडी हो गई है, और रोटी भी सीख गई, बस अब मैं बर्तन धुलूंगी, पूरा किचन गंदा हुआ है क्योंकि अभी खाना बनकर रेडी हुआ, बस अब फटाफट किचन साफ कर दूंगी। तो इस तरह बनी देखो, मुरानों का रिएक्शन पता नहीं कैसा होगा, आज मैंने सब्जी 5 बजे से लग रही है देखो, और 8:30 हो गए देखो। अच्छा नंडा वरना कर रही हूँ, मगर पता नहीं तेरे साथ कहाँ चले गए, पानी भी नहीं पिया, सर्दी तो चढ़ी पड़ी था मेरे बनने।